जवाब ये क्यों दे रही है? नहीं, मैं नहीं, जा रहा हूं यार, मैं चाहता नहीं हूं, मैं जा रहा हूं यार, नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं फलाना फलाना इसके लिए कैप्टन का, ठीक है ठीक है। तो यार उसने पहली मोहब्बत का पूछा था, मैं दूसरी मोहब्बत हूं। अरे कितनी गलत यार, हर बंदे का पास होता, बनाता गया करता गया पहुंचता मैं 15 मिलियन फॉलोअर्स पर पहुंच गया। फिर जी टिकटॉक को याद आया कि यार हमारे तो इतने क्रिएटर्स हो गए हैं, क्या कोई अवार्ड शो करते हैं। उसमें मैंने जो पहला अवार्ड हुआ था उसमें Public मुझे फिर अवार्ड दिया गया था पब्लिक चॉइस, वो ही सिर्फ इकलौता अवार्ड था जो मतलब कि जो पब्लिक लोगों ने वोटिंग की थी, वोटिंग करते हैं। एक बड़ा आर्टिस्ट है जैसे फैसल कुरैशी है, ठीक है, फैसल कुरैशी को भी मेरे जितने लोग जानते हैं या मेरे से ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। मैं कहूँ कि मैं और फैसल कुरैशी ड्रामा इंडस्ट्री में भी ऐसे हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो कैसे हो आप हैं कंजूस? ना मैं कंजूस ही हूँ यार ब्रो, मैं कंजूस हूँ, मैं कंजूस हूँ, चेक करो 80-90 हज़ार की शॉपिंग भी करवा रहा हूँ फिर भी कंजूस हूँ यार। और सब हमारा कोई एक फैमिली कई तकरीबन 4 या 5 महीनों के अंदर, 4 महीने लगा लो, 4 महीनों में 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसने कुछ 10 दफा मुझे टोका है। तो आ ना, तुम इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हो, बस लंबी करूं छोटी करूं, प्रोग्राम आया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आपका एक नॉन स्टॉप पॉडकास्ट में दोबारा से वेलकम करते हैं। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। और आज के हमारे गेस्ट दो बहुत ही मजेदार किस्म के करेक्टर हैं जो के लगते इंसानों की तरह, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो असल में किसी और मखलूक के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो चले ज्यादा बातचीत किए बिना उनकी तरफ बढ़ते हैं जी। कवल जुलकरनैन और जलाल साहिब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र भाई, मेरी तो खैर है। मुझे तो कह दिया कि इंसान कितना लगते हैं, लेकिन तुमने जो बहन को कहा है ना, कोई मसला नहीं, ये तो ब्रो लाशें लाशें बिछाई तुम्हारा हिसाब किताब होगा। अच्छा सुनते हैं, मैं अंजाम से नहीं डरता, ठीक है। अच्छा, तो जो बंदा अंजाम से नहीं डरता ना, उसका अंजाम ही बुरा होता है। तभी तो मैं एक जैसे कपड़े पहन के आया हूं आज। ये देखिए, आज मैंने ट्विनिंग किया आज पहली दफा, मतलब पहली दफा नहीं, दूसरी तीसरी दफा कह सकती हो यार, एक दो दफा पहले भी की। नहीं नहीं, तुमने नहीं की। मैं तुम्हें कहती हूँ हमेशा कि जुलकर मेरे तरह के कपड़े पहन लो या मेरे कलर के कपड़े पहन लो। हाँ ये कहती है, लेकिन आज ना इसने जब भी अपने कपड़े निकाल लिए ना, मुझे कहती है अपने कपड़े निकाल लो यार, फ्रेश रेश कर ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अलमारी खोलता हूँ। अलमारी खोलने के बाद मैंने कहा यार आज ट्विनिंग कर ही लेता हूँ अपनी बीवी के साथ। फिर मैंने भाई जाके सूरज भी देखा कि सूरज कहाँ से, कहाँ से, वैसे क्या मसला क्या होता है अगर ट्विनिंग कर लो अपनी बेगम के साथ? यार असल में मर्दों को तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता कि वो ट्विनिंग का शौक नहीं होता, क्योंकि हम लोग पता है वो छपड़ी बॉयज, हमें लगता है कि यार हमारा जरा स्वैग उसी में है कि अगर बीवी ने किसी और कलर की कमीज शमीज पहनी हो, हम लोगों ने किसी और, जब ट्विनिंग हो जाए तो वो दोस्त कहते हैं तू भी बन गया। अच्छा, नहीं नहीं, इससे जलाल भी हमें किस्सा भी मुझे याद आता है कि हम लोग गए निकाह के बाद, पहला ट्रिप था फैमिली ट्रिप, मतलब जुलकर के पूरे खानदान का, जुलकर के जो बड़े भाई है ना जवाद भाई, वो जा रहे थे आउट ऑफ कंट्री, अमेरिका जा रहे थे, और उन्होंने फिर काफी देर बाद आना था, तो हम लोग चले गए। अच्छा ट्विनिंग नहीं की, प्रॉमिस अल्लाह की तरफ से मैंने ना कपड़े, मेरी आदत है मैं हमेशा ज्यादा लेके जाती हूँ कि अगर एक मुझे नहीं सूट करेगा तो कम से कम मेरे पास दूसरी ऑप्शन हो। तो वहां पे मैं जुलकर को रोज कहती थी जुलकर कौन से कपड़े पहनने हैं, जुलकर जो कपड़े निकालते थे ना अल्लाह की तरफ से, वो मेरे पास वही कलर होता था, मैं वो निकाल के प्रेस करके ना चलो जी रेडी हो जाना। तो वो जवाद भाई ने मतलब उनमें थोड़ा सा, मतलब वो भी अपनी बेगमों से बहुत प्यार करते हैं, दोनों भाई बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रिजर्व होके हमारे सामने नहीं, कमरे की हद तक। तो उन्होंने देखा एक दिन इन्होंने ट्विनिंग किया, अच्छा दूसरे दिन किया, अच्छा तीसरे दिन किया, अच्छा चौथे दिन ना वो बोल ही पड़े तुसी की कितान दे कपड़े लेके आए हो। जब जुलकर ने ना हम हाइकिंग कर रहे थे तो नीचे उतर रहे थे, तो जुलकर ने कहा कमल मुझे हाथ पकड़ाओ मैं नीचे उतारता हूँ तुम्हें, तो देखे कहने ओए बगैर तो हाथ छोड़ो तुम हनीमून मनाना है होते। जवाब भी ये कौन सा हनीमून है हाथ पकड़ने से, तो ये थोड़ा सा होता है इंसान। आपको कभी हुआ है आप मतलब ट्विनिंग करो तो किसी यार किसी दोस्त का से तो ताल्लुक भी पठान फैमिली से है ना, और पठानों के मुतल्लिक है ये, पठान थोड़े से होते हैं ना सख्त होते हैं। सख्त नहीं यार, वो भी जैसे ये मेरे भाई की बात कर रही है कि वो थोड़ा रिजर्व रहते हैं, मुझे लगता है कि पठानों के मुतल्लिक भी है। आप बताएं यार, हम करते हैं ट्विनिंग, लेकिन ये है कि वही जुलकरनैन वाली बात है कि मुझे जरा कॉन्ट्रास्ट पसंद है कि यार
ग्रे के साथ, उन बेगम ने ग्रे पहना और मैं ब्लैक टाइप से पहन लूंगा, कुछ इस तरह के अलग, थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम। यार कोई विचली गाल दा सब ब्रो, विचली गाल की है कि वही यार छपड़ी बोली, छपड़ी बोली। अच्छा वैसे हमें पॉडकास्ट की तरफ भी थोड़ा जाना चाहिए, हम बहुत ही जरा कैजुअल हो गए हैं, तो हमें थोड़े से सवाल करने चाहिए। वैसे मुझे लगता है कैजुअली यार, जैसे हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ कर बातें करते हैं वैसे ही करेंगे। वैसे भी मैं तुम लोगों का पॉडकास्ट देख रहा होता हूँ यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी, और ये बिहाइंड द कैमरा भी, अक्सर मैं कैमरा शैमरा ये वॉइस वगैरह चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये क्या सवाल पे सवाल करते रहते हैं, कोई कैजुअली टॉक हो ना उसमें उसका ज्यादा। कैजुअली टॉक हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम दूसरे बंदे को इतना पर्सनली नहीं जानते होते, तो हमें नहीं कि अगर हम उन्हें प्यार प्यार से कोई बात कर रहे हैं, कोई जुगत लगा रहे हैं, तो वो किसी और सेंस में लेके तो वो माइक ऐसे फेंक के निकल। लेकिन जब भी ये पॉडकास्ट से पहले बैठे होते हैं ना, तब ये भरपूर चुगलियां कर रहे होते हैं जान पहचान के बिना, उसने देखा क्या कर दिया, उसने देखा ये कर दिया, वो भी कह रहा होता इसने देखा। अच्छा और जलाल भी ऐसे ही होना चाहिए, और जलाल भी है ना, क्या मजा आए ना, गरम गरम पॉडकास्ट, गरम गरम पॉडकास्ट। उसके बाद जलाल, अच्छा जिसकी चुगली हो रही है वो देख रहा हो, वो छोड़ूंगा नहीं मैं इन लोगों को, तो ठीक है ना, फिर जुल्कर नैन से भी करो ना, कोई सख्त सवाल करो ना, जुल्कर कह रहे ना चुगली करो, जुल्कर चुगली करेंगे। अच्छा तुम लोग सवाल करोगे मैं जवाब दे दूंगा, इतना तो फॉर्मल हमारा सीन नहीं है, मैं ये भी कह सकता हूँ कर लो पॉडकास्ट अपना। नहीं जलाल भाई बिस्मिल्लाह करें। यार मैंने तो सवाल जो है ना मेरा सबसे पहले स्लो स्लो स्टार्ट करेंगे, स्लो स्लो स्टार्ट करेंगे। शादी से पहले जिंदगी जो थी वो अच्छी थी या ये स्लो स्टार्ट है, ये स्लो या शादी के बाद, ये डायरेक्टली वार है, ये तीर नहीं है। अच्छा शादी से पहले जिंदगी और शादी के पहले अच्छी थी या अब अच्छी हो गई है? यार मुझे लगता है कि शादी से पहले भी जिंदगी अच्छी थी, शादी के बाद भी जिंदगी अच्छी है, शादी के पहले ज्यादा। जलाल भी पीछे लगे ज्यादा ज्यादा बोलो, ज्यादा बोलना। यार शादी के पहले जिंदगी कुछ और तरह की होती है आपकी, ठीक है आपके बस सर के ऊपर माँ बाप का ही थोड़ा बहुत रोब दबदबा होता है, और शादी के बाद आपके ऊपर बीवी भी मुसल्लत हो जाती है, हैं उसको भी आपने बताना होता है बेगम मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, बेगम मैं इधर जा रहा हूँ। अच्छा और ना औरतों का ये भी होता है कि आप अम्मा अब्बा को जैसे बता देते हो निकल गए तो हाँ। वो बाद में फोन करते हैं यार बता कर तो बंदा, अच्छा अम्मी आइंदा से बता दूंगा। बीवी को बता कर गए तो क्यों नहीं गए हाँ। इस बात का फैसला आज के आज ही हो, बस ये थोड़ा सा चेंज होता है। और बीवी को अगर बता भी दो ना कि यार मैं अगर क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो अब उसकी हाँ पे भी आपको देखना होता है कि ये हाँ वाली हाँ है या ना वाली हाँ है। ये जलाल भाई अंदर से बोल रहे हैं, आज आज भाभी आई हुई है ना, तो जलाल भी अंदर से बोल रहे हैं कि मैं कहूंगा बेगम मैं तो पॉडकास्ट बोल रहा हूं, पॉडकास्ट हो जाएगा। यार बात सुनो, एक वो वीडियो मैं देख रहा था उसमें पता क्या, वो हस्बैंड को कॉल आती है किसी उसके दोस्तों की, वो कहता है हेलो हाँ जी 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 हाँ हाँ मैं प्लान करता हूँ आज अपनी गेट टूगेदर है ना, चलो मैं करता हूँ, मैं अभी एक मिनट रुक जा होल्ड कर मैं बता रहा हूँ। वो अपनी बेगम के पास जाता है, वो किचन में ना रोटियां बना रही होती है, वो उसे कहता है बेगम आज हमारी गेट टूगेदर है तो मैं चला जाऊँ। तो वो एकदम से ऐसे मुड़ता है ना, तो कहता नहीं ब्रो मैं जरा बिजी हूँ, मैं नहीं हूँ। उसके ना यहाँ आटे का निशान चपेट चपेट खा लेता है। बस यार यही फर्क होता है कि एक और तीसरा बंदा आपके ऊपर मुसल्लत हो जाता है, जिसको आपने बताना होता है उससे इजाजत भी। अच्छा तो हमारी जिंदगी में भी मुसल्लत होता है ना, हमें भी बता के जाना होता है हाँ जी जी हम चाहे आधे घंटे के लिए अपनी अम्मा की तरफ जाएं, पर हमारे वो गिना जाता है कि वो गिना जाता है कि आप तुम अपनी माँ की तरफ गई हो, तुम आज गई हो तो तुम आज क्यों जा रही हो। औरतों का एक बंदा कम हो जाता है, जैसे पहले अम्मा अब्बा होते हैं, बाद में सिर्फ हस्बैंड रह जाता है, हमारा एक बंदा बढ़ता है, इनका एक बंदा कम होता है, चेक करो जिंदगी आसान होती है कि नहीं, होती है ना भाई, उनको प्रॉपर ओनरशिप मिल जाती है, अथॉरिटी मिल जाती है बेगमों को, फुल ऑन देखिए अगर ये बड़ा बन जाती है। अगर हम अपने माँ बाप को देखें तो उनको भी तो ओनरशिप मिली हुई है ना, तो अगर हमें ओनरशिप मिल जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है। सही बात है हमारे तो बस दादी वाले दिन वही होते हैं जो शादी से पहले होते हैं, हमारे भी जी रहे हैं, जी रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं। शादी के मतलब जुल्कर का सवाल का जवाब ये था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी शादी से पहले नहीं यार, जिंदगी में फर्क होता है, मुझे लगता है कि जिंदगी शादी के बाद वाली
नहीं मुझे लगता है जिंदगी शादी के बाद वाली थोड़ी मैच्योर हो जाती है, पहले आप बचकाना हरकतें कर रहे होते हो, आपको ना कमाने की टेंशन होती है ना खाने की टेंशन होती है ना पहनने की टेंशन होती है, बिकॉज माँ बाप का साया मुझे लगता है हर हर शख्स के ऊपर कायम दायम रहे उसकी जिंदगी भर के लिए, उनका कोई मतबादल भी नहीं होता। तो आप शादी से पहले समझ लो अपने अम्मा अब्बा के सर पर ही मौजे मार रहे हो, ऐसा ही है, और बाद में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि नहीं यार मैंने अपने लिए भी कुछ करना है या मैंने अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना है, और बाद में मुझे लगता है शादी के बाद ही आपको ख्याल आता है कि मैंने अपने अम्मा अब्बा के लिए भी कुछ करना है। पहले कोई नहीं होता, पहले आप जी रहे होते हो कुछ और तरह की माहौल, लेकिन जो मैच्योर होती है ना जिंदगी वो शादी के बाद ही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती है ना। ये मुझे फर्क लगता है कि शादी से पहले जिंदगी कुछ और तरह की होती है, आजाद होती है, मतलब आप अपनी मर्जी के मालिक होती है आपको कोई टेंशन नहीं है। देखो ना अगर आप मतलब अगर मैं अपनी बात करूं शादी से पहले की, तो मैं अपने अपनी मर्जी से ड्रेसअप हो जाती थी, मतलब जो मुझे पसंद था, मुझे नहीं फर्क पड़ता था कि वो क्या सोचेगा, मैं मोटी लग रही हूँ मैं पतली लग रही हूँ मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं। अब वो होता है कि हाँ भाई रिजर्व होकर ड्रेसिंग करनी पड़ती है कि ये उस जुल्कर को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, जुल्कर के साथ साथ जुल्कर के घर वालों को पसंद, क्योंकि मतलब वो तो चलो वो मेरे लिए सेकंड पर आते हैं, फर्स्ट पे तो जुल्कर ही है, लेकिन वो सेकंड को भी देखना पड़ता है क्योंकि वो जुल्कर और उसकी जो फैमिली या आप और आपकी जो फैमिली है वो एक दूसरे से मुंसलिक कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, तो इस वजह से। तो माँ बाप की इतनी बात हुई, तो माँ बाप को आपने अपनी शादी के लिए मनाया कैसे? मैंने यार ये तो बड़ी पुरानी स्टोरी है, पर बहुत आसान था, बहुत तो आसान था असल में ना, मैं अपने अब्बा का बड़ा लाडला हूँ शुरू से, ठीक है, तो उसके लिहाज से मैं थोड़ा सा जिद्दी टाइप भी था, अब तो नहीं रहा बिकॉज मेरे से ज्यादा जिद कमल की हो गई है ब्रो, मेरी जिद थोड़ी छोटी पड़ गई है मुझे लगता है मैं बहुत जिद्दी, मुझे लगता है ये पॉडकास्ट कम हो रहा है, बेगम पे ज्यादा गुफ्तगू हो रही है जो है ना, क्या नाम है, रोना सुना रहा है, ये पॉडकास्ट में सताया हुआ है, ज़ुल्म हुआ हो रहा है मेरे पे ना, नचे अच्छा जलाल भाई कितना खुश है, हम सताए आपसे भी हो रहा है, नहीं आपसे भी हो रहा है ज़ुल्म, एक होता है ना दिल से बात, पेट से बातें नहीं निकल, ज्यादा नीचे से बातें यार बनाना इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज हम लोग पहले ही इकट्ठे घूमते थे फिरते थे खाते थे पीते थे मैं और कंवर, और हमारे कंटेंट से ना हमारे घर वालों को भी हल्की फुल्की सी खबर हो जाती है कि आखिरकार क्या सीन है, जब ही कंटेंट बहुत ज्यादा इकट्ठा आना शुरू होता था ना हमारा, तो फिर फैमिली भी बिठा लेती थी, बेटा क्या सीन है, नहीं क्योंकि उससे पहले ना मतलब जुल्कर एक ही लड़की के साथ मतलब रैंडम अगर कोई मिल गई तो मिल गई, नहीं यार दोस्तों के साथ ही रैंडम, क्या ये बाजार में जा रहा है ना मेरा वीडियो बनाना रैंडम मतलब ये किसी इंटरव्यू पे गए हो या कहीं से मुलाकात हुई तो किसी कैंपेन एक कोलैबोरेशन होगी, हाँ तो वो कोलैबोरेशन होगी कि इसके साथ गुफ्तगू होगी और उसके साथ होगी या वीडियोस बन गई, तो वो फिर जब एक ही बंदे के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दो ना और एक ही तरह की मतलब थोड़ी रोमांटिक और लव वाली हाँ सॉन्ग्स पे, तो वो बंदे को समझ आते कि यार चक्कर कोई और है, कुछ तो है कुछ तो है। अच्छा फिर ये हुआ कि मैं अपने घर गया, मैंने मम्मी को तो पहले ही बता दिया था, अपने अब्बा को नहीं बताया था ना अपने भाइयों को ना किसी और को, अम्मा को मैंने पहले ही फ़ोन पे बता दिया था कि अम्मा मैंने ये इसके साथ शादी करनी है कवल के साथ, तो अम्मी ने कहा था चलो देखते हैं, तुम पता है माँ बाप भी डायरेक्टली नहीं मानते, उनका भी एक रोब दबदबा, वो कहते हैं अगर आसानी से मान गए तो ये इज्जत ही ना कम हो जाए और नहीं, और सबसे बड़ा मसला पता है क्या था, मतलब कास्ट का मसला था, हमारे वाले तो कर लेते हैं, नहीं हमारे वाले कर लेते हैं, पर जुल्कर की जो फैमिली में जितने भी आप शादीशुदा कपल्स देखोगे ना 99% मतलब हम हाँ अपनी कास्ट में और फैमिलीज में कोशिश ये करते हैं कि अपनी फैमिलीज में करें ताकि वो खानदान बढ़े, मतलब कजन से कर लिया पुप्पी के बच्चे से इस तरह करके तो फैमिलीज बड़ी होती हैं, मतलब हम कोई दूसरा कपल होंगे, दूसरा कपल है हमारे खानदान में जिसने बाहर शादी की, एक पहले मेरा कजन था फूफो का बेटा, उसको मेरे फूफा नहीं करने दे रहे थे शादी, और उसने उसने तो भाई चनाब से चनाब है ना दरिया चनाब उससे छलांग लगा दी, वो शुक्र है नीचे रेत था वो लत छत ही टूटी पानी होता तो पानी तो होता तब मारता, रेत में कौन मारते है, उन्होंने कहा मैं चला तो नहीं छलांग मार के देखता हूँ क्या होता है,
तो एक वो थे, दूसरा मैं था। अच्छा, उनको तो बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था, वो टाइम भी तो काफी पहले, हाँ, मतलब टाइम भी काफी पहले का था। लेकिन मेरे अम्मा अब्बा कुछ और नेचर के थे, फिर मैंने बताया। फिर मैं एक दफा घर गया, मैं यहाँ ही था लाहौर, लाहौर से मैं घर गया स्पेशली मनाने के लिए। टारगेट ये अपना था कि जाकर सबको बताना है और मनाना है। अब्बा से मैंने बात नहीं की थी, बिकॉज पता है एक वो पंजाबी में कहता है चाका होता है थानू थोड़ा जा अपने वाले साहब, तो मैंने बात नहीं की थी। तो मैंने अम्मी को ही कहा था अब्बू से आप कर लेना, बाकियों से अब्बू खुद ही, अब मतलब अम्मी अब्बू का मेन था, बाकी तो हम सब भाई या बहन अम्मा अब्बा की ताबे थे, तो जो उन्होंने कह देना वही कर देना। एक फिर ना मैंने बात नहीं की घर जाकर। एक दफ़ा हम लोग गाड़ी में ऐसी, उसी टाइम की बात है जब मैं मनाने के लिए स्पेशली गया था, तो हम, मैं, मेरे बड़े भाई, उससे छोटे भाई और अब्बा जान, हम चार, तीन भाई और अब्बू गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। पांचो थे आप लोग, अब्रार भी था साथ में, अब्रार भी था, पांचो थे आप, हाँ पांचो थे, मतलब चार भाई और अब्बू, हम ट्रैवल कर रहे थे। तो अब्बू ने ना बैठे बैठे ही बात शुरू कर दी, यार मैं ना दुल्कनैन का रिश्ता करूँ। मैंने कहा ये किधर कर रही है रिश्ता? तो वो अब्बू कहते मैं रिश्ता कर रहा हूँ। मैंने नहीं पूछा कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे। तो मेरे जो बड़े भाई हैं ना बिग बी, उन्होंने कहा कि कितने रिश्ता कर रहे हो जी? तो अब्बू कहते बस तय तय भी समझ लो क्या है। तो नहीं, अब्बू ने कहा था हफ्ते तक बुला भी रहा हूँ उनको, मतलब डेट फिक्स कर रहे हैं। तो वो जवाद भाई ने कहा कि यार को सलाम दिए को मशवरा होता है, तुम सीधे ही कह रहे हो जी रिश्ता करते हैं जो बुला भी रहे हैं। कहते बस करते हैं यार, मैं ही करते हैं, तनु को मसला है तुम कहने। मैं चुप, मैं मुझे क्यों, मुझे क्या मसला होगा? उसके बाद अबू ने ना जवाब भाई को जवाब दिया कि यार मैं ना लाहौर रिश्ता कर रहा हूँ दुल्कनैन का कमल के साथ। तो जवाद भाई ने ना उस टाइम थोड़ा कहा कि यार ये एकदम से बात कैसे छिड़ पा। अच्छा, जवाद भाई की, कमल की, मेरे सारे भाइयों की, बहन की पहले कमल से मुलाकात हो चुकी थी, मतलब मेरी निकाश भाई से कम थी मुलाकात, निकाश एक दफा हुई है, पर जवाद भाई से, हाँ, जवाद भाई हो चुकी थी। ये मेरी सिस्टर की शादी पर भी आई थी, सारे खानदान से भी मुलाकात हो गई थी, मेरी फूफियों से हो गई थी। फूफियों ने तब ऐसे कर दिया था, फूफियों ने मुझे कहा था कि बच्ची बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मैंने अच्छा पता चला अच्छी नहीं, तो बाद में पता चला जी नहीं। किसको बाद में पता चला? तुम्हें पता चला? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है यार। तो वो होता है ये है कि बस ऐसे ही ना उसी गाड़ी में ही सफर करते करते रिश्ता अपना घर में पक्का भी हो गया और सारे मान भी गए। और तकरीबन एक डेढ़ हफ्ते के बाद हम लोग इनकी तरफ आए। नहीं नहीं, एक हफ्ते बाद सबसे पहले हम आए, हम, हमारी फैमिली आई थी, फिर आपकी आई थी, उसके अगली दफा आपकी फैमिली आई थी, फिर उसके तकरीबन महीना, और मेरे घर वाले पहली दफा इसके घर गए थे, और वो भी डेट फिक्स करने, डेट फिक्स कि हम 4 अप्रैल को हम निकाह कर, निकाह कर रहे हैं। अच्छा, यही दिन थे है ना? हाँ, अभी यही दिन थे जिन डेज में मैं मना रहा था। फिर उसके बाद मार्च आ गया, फिर अप्रैल, अप्रैल में हम लोगों ने अपना, और सबसे मजे का सीन जलाल भाई मुझे अभी भी याद है, मैं ना उधर से जा रही थी लिबर्टी से ना घर की तरफ जा रही थी, मेरी कजन थी साथ, तो किसी को नहीं पता था मैं बात करती हूँ। मैंने ना नंबर ब्लेस्ड लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है ब्लेस्ड। तो मुझे कॉल आई है, कहती ब्लेस्ड दी कॉल आ रही है। मैं कहा अच्छा अच्छा, मैंने ऐसे उठाई, मैं कान पे लगाया, जो कह कवल एक बात कहूँ। मैं कहा हाँ, क्या हुआ है? अम्मी वो मान गए। वो वैसे जो वीडियो एक वायरल हुई थी ना, वो तो वैसे डायलॉग था, लेकिन मैं रो रही हूँ ऐसे, वो मेरी कजन ऐसे देख रही है मेरी तरफ, क्यों है? मैं कुछ नहीं, मान गया कवल, तुम रो के रही हो अभी, वो मान गया। मैं कह यार ये तो वाकई वो, मतलब वो बड़ा एक अच्छा मोमेंट था, फिल्मी, और फिल्मी भी था, एक अच्छा भी था, एक वी नो ऑब्वियसली अच्छा तो होता होता, अच्छा तो होता, पर जुल्कर ने बड़ी गलत हरकतें की। ए, हम लोग रिलेशन में थे, एक बात बता दूं आपकी, हम लोग रिलेशन में थे तो जुल्कर को एक कैंपेन आई कि आपने ना किसी के साथ लाइव बैठना है। तो मैं जुल्कर की हर चीज देखती थी, ड्रामा, टीवी सी, कुछ भी, शादी से पहले, शादी से पहले, निकाह से पहले, बात है रिलेशन में थे ना हम लोग। तो ऐसे मैं इंस्टाग्राम खोल के बैठी हुई देख रही हूँ, तो वो लड़का था या शायद लड़का था कोई, वो कहता आपको मोहब्बत हुई है?
कहता हाँ हुई है। तो मैं बड़ा खुश, मैं कह यार दसेगा हूँ, चलो नाम ना बताए लेकिन ये बताया। इशारे इशारे कहते हैं अच्छा, तो वो कहता पहली मोहब्बत है मेरी। मैं कहूँ मैं कवल पहली मोहब्बत, क्या बात है। अच्छा मुझे तो सब कुछ पता था, मतलब पास्ट मेरा भी पता है, दुलकर को मुझे भी पता है, सब कुछ हर बंदे का पास्ट होता है। तो वो कह रहे पहली मोहब्बत, मैं कह ठीक है, मैं बड़ा ऐसे देख रही हूँ, मैं दंदियाँ निकल रही हैं कि अभी नाम लेगा। तो वो कहता है अच्छा, तो फिर आपको वो मोहब्बत हासिल होगी। नहीं, वो मुझे हासिल नहीं हुई। मैं कह साढ़ा तो हले ब्रेकअप भी नहीं हुआ, लड़ाई भी नहीं हुई। फिर मैंने कहा आगे क्या कहता है। नहीं नहीं वो मतलब कोई और था जो मैंने रिश्ता भेजा, रिश्ता नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। मैं बिचे कॉल, मैं कह तन्नो नहीं आज छड़ना, मैं कॉल पे कॉल कर रही हूँ, ये बात मुझे मैसेज कर रहा है, मैं लाइव कर रहा हूँ, मैं कह तेरी कॉल चुक कॉल चुक। मैं कह यार तुम्हारा मतलब ठीक है, था जो भी है, तुमने 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 पब्लिकली जरूर बताना, मतलब तुमने जरूर हर्ट करना है, तुम्हें पता ही है। देखो जो था उसको सच बता देना। नहीं तो उस वक्त तो तेरा रिलेशनशिप बहन के साथ था ना। हाँ अच्छा भला फुल पक्का। फिर तू क्यों कह रहा है मिला ही नहीं, ये हो गया वो। यार उसने पहली मोहब्बत का पूछा था, मैं दूसरी मोहब्बत हूँ। अरे कितनी गलत यार बात है। हर बंदे का पास्ट होता है। जलाल भी आपसे पहली मोहब्बत का अच्छा मुझे लगता है मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। मैंने पिछली बार भी याद है मिनाहिल जब आई थी, मैंने कहा था पहली मोहब्बत वही होती है जो निकाह के बाद होती है, मोहब्बत असल वही होती है। तो मेरी भी यही है ब्रो। तो आप ब्रो ये बोल रहा था निकाह के बाद, निकाह तब नहीं हुआ था ना, तब निकाह नहीं हुआ था ना, तो आप इनके साथ रिलेशन में थे, रिलेशन में थे। अब बात सुन मैं तेरी, बस आपको इनका नाम लेना चाहिए था लेकिन यार अभी निकाह नहीं हुआ था। नहीं, मैं कहता हूँ कि यार मेरी पहली आखरी सब कुछ, नहीं मैं कहता हूँ ना कि मेरी पहली आखरी सब कुछ यही है, कहता हूँ ना। अब किस बात की टेंशन है यार। अब इसको भी ये पता है, इसने आज तक मेरे पर शक नहीं किया, लेकिन मैंने कभी लड़की को लेके, लड़की को लेके मतलब वैसे मैं मतलब शक ये कर लूं कि यार ये दोस्तों के साथ चला गया, पता नहीं कुछ दोस्त कोई ऊट पटांग हरकत ना करवा दे, लेकिन लड़की को लेके मुझे इतना तो यकीन है 110% के मतलब जुल्कर का कोई ऐसा वैसा सीन नहीं। बहुत शरीफ आदमी है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैसे मेरा एक सवाल था, खैर उसका आंसर तो हम सबको ही, ऑडियंस समेत हम सबको ही मिल गया, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि घर में किसकी चलती है। हमारे घर में, हाँ ऑब्वियसली यार हमारे घर में ना हम दोनों की चलती है। अच्छा ऐसा नहीं है, है मेरी चलती है। हाँ। प्रॉमिस नहीं चलती मेरी इसकी नहीं इतनी। हाँ। ज्यादा नहीं, ये इसकी ये तारीफ भी है कि ये हाँ। ये वर्किंग वुमेन होकर भी ये मेरी बात को हमेशा फोकियत देती है, ये इसकी तारीफ है। नहीं तो आजकल की जो वर्किंग वुमेन है वो कहती है नहीं जी मैं खुद कमाती हूँ तो मेरी बात ही चलेगी। बहुत ज्यादा ऐसी परसेंटेज है जो कि नहीं जी अपने घर में जी मेरी चलेगी, हस्बैंड को तो कोई रिस्पेक्ट देनी नहीं। खाना जुलकर की पसंद का बनेगा हमारे घर में, कौन सी चीज किधर रखी जाए डिकोर के लिहाज से, मतलब डिकोर तो हम दोनों हमें दोनों को घर से जाने का बहुत शौक है, लेकिन जुलकर के मुताबिक रखा जाएगा, मतलब मशवरे से। ये नहीं होता कि ये सवाल मेरे से पूछा था ना तुमने, नहीं नहीं जवाब ये क्यों दे रही है ब्रो, मैं जा रहा हूं यार, मैं जा रहा हूं यार, मैं बोल रहा हूँ तुम बोलो। अच्छा मैं ये बात मैं अपना पार्ट काट लूंगी, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपना पार्ट काट भी काट दोगे जी। तो वो ये है कि वो मैं इसकी तारीफ ही कर रहा था कि बहुत कम आजकल हैं ऐसी खवातीन जो कि अपने हस्बैंड की बात को फोकियत देती हैं। शी इज़ वन ऑफ देम कि इसने मेरे से पूछना होता है कि अगर किसी जगह फर्ज करो जाना भी है ना, ये जा सकती है, जैसे इसने अपनी अम्मा के घर जाना है तो जाना है तो ठीक है, उसने जाना है 10 दिन बाद जाना है 15 दिन बाद जाना है, लेकिन इसने फिर भी मेरे से पूछना है अगर मैंने कहना है कि ठीक है चली जाओ। अच्छा दूसरी तरफ से एक होता है ना एक पूछने वाला बंदा, एक होता है उसको जवाब उसके मुताबिक देने वाला बंदा, ठीक है। तो अगर ये मेरे से पूछती है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि जो इसका दिल कर रहा है ना मैं वही इसको कह दूं, बिकॉज मुझे भी इसको रिस्पेक्ट देना बनता है कि यार अगर ये मेरे से पूछ रही है मुझे रिस्पेक्ट दे रही है तो मैं वो वाली चीज कर दूं जो इसका दिल है। मैं इसे हमारा यही चल रहा होता है, अगर ये मुझे कहेगी ना मैंने कवल, ये मुझे कहेगी ना कि जुल्कनैन मैंने अम्मी की तरफ जाना है, तो मैं इसे उसी टाइम कहूँगा हाँ ठीक है चले जाओ, वहाँ पर ही मैं ये कह सकता हूँ कि यार नहीं यार 2-3 दिन बाद चली जाना, मैं कहता हूँ ठीक है यार उसके पास टाइम है वो चली जाए घूम फिर आए, या इसका कुछ भी इस तरह का दिलचस्प होता है। लेकिन अगर कहे ना कि घर में किसकी चल रही होती है, वो किसका रोब दबदबा किसका है,
तो वो उस लिहाज से ये मुझे लगता है कि मर्द की ही घर में चले तो ज़्यादा बेहतर रहता है काम, आपके घर के मामलात भी दुरुस्त रहते हैं, आपकी सारी चीज़ें ओके रहती है, और जिस घर में औरतों की हुकूमत होती है उस घर के मामलात मुझे लगता है कि इस तरह से बेहतर नहीं होते जिस तरह से होने चाहिए। इसमें एक बात मैं ऐड कर दूँ, ऐड ये है कि जैसे हम लोग डेली व्लॉग करते हैं ना तो लोगों को हमारे डेली लाइफस्टाइल का पता है कि मैं किस तरह, जैसे मैं लाउड बोलती हूँ तो लोगों को लगता है शायद मैं बदतमीज़ी करती हूँ, लेकिन मेरे बोलने का तरीका ऐसा है। और ये भी जुलकर इस चीज़ की भी गवाही दे सकते हैं कि मुझे शादी से पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, अब मैंने बहुत ज़्यादा कम किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और उसके अलावा ये भी है कि ये होता ही है कि मैं इसको अक्सर तंग कर रहा हूँ ना, तो इसको गुस्सा पहले शादी से पहले बहुत ज़्यादा आता था, फिर आहिस्ता 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 इसने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को थोड़ा आराम सुकून से बिठाने वाला बनाया या किसी की बात को बर्दाश्त करने वाला बनाया। तो अभी भी मैं इसको जब तंग करता हूँ ना थोड़ा बहुत, तो ये थोड़ी बहुत होती है, लेकिन फिर ये खुद को संभालती है। और मैं कहता हूँ कि यार खामियाँ हर शख्स में होती है, अगर इसको गुस्सा आता था शादी से पहले तो हर शख्स को कुछ ना कुछ, हर शख्स में कुछ ना कुछ खराबी होती है, लेकिन बेहतर वो होता है जो उस पर काम कर रहा होता है, जो अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा होता है। हाँ। और ये वही कर रही है। मैं नहीं इसे कहता कि यार तुम, मैं इसे किताने भी नहीं रहा, तुम तो इतना गुस्सा करती थी, मैं इसे हमेशा अप्रिशिएट कर रहा होता हूँ कि यार तुम बेहतरी की तरफ जा रही हो ना, ये बहुत जबरदस्त। और दूसरा ये कि मतलब हम लोग वैसे ये एंटरटेनमेंट के लिए एक दूसरे के साथ नोक जोक कर रहे ऐसे हाथ लगा रही थी, मतलब दोस्त, वो एक दफा की बात है ना, जुल्कर ने एक दफा मुझे गाली दे दी बड़ी वाली, कोई ये आपसी बात है, हाँ ये आपसी बात है, वैसी मैंने इसे कहा यार हस्बैंड वाइफ का बहुत बड़ी गाली दी इसने मुझे, तो मैंने ऐसे देखा। परफेक्ट दुनिया की अब तक की परफेक्ट तरीन जात हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अलावा तो कोई नहीं। और वो भी अपनी बीवी के साथ खेलते थे, जैसे वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उन्होंने वो किया था भागने वाला, रेस की रेस करना। तो मैं ना अक्सर ऐसे करता हूँ कि कमल तुम और मैं ना आज के बाद दोस्त हैं, हम लोग नहीं है मियाँ बीवी, बिकॉज यार आपने 24 घंटे किसी के साथ रहना है तो उसके साथ दोस्ती ऐसी लगा लो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घूम फिर रहे हो। अच्छा या उसके साथ मस्तियां करते हो। बेस्ट फ्रेंड वाली बात भी तो बताने, तो मुझे गाली दी तो मैंने ऐसे देखा, मैंने हाँ जी तुमने मुझे गाली दी है, तो मुझे ऐसे ना गले में हाथ डाल कहता तू मेरा दोस्त नहीं, मैं कहा फिर मैंने भी गाली दी, इसने भी मुझे गाली दी, अच्छा मेरे अंदर का मर्द डाल के खैर है हस्बैंड में दे रहा, मैं तू नहीं मेरा दोस्त, नहीं दोस्त दे रहा, गाली दे रही है, मतलब ये सही है शोर होगा, जब दिल चाहे गाली दे के तो बात भी कहे कि तू मेरा दोस्त थी, जब औरत का दिल चाहे मेरे को इज्जत चाहिए तो चाहिए तो चाहिए वाला सीन। ये मुझे ये बताया कि टिकटॉक से स्टार्ट लिया, बल्कि स्टार्ट तो तुमने यूट्यूब से लिया था, सही है। अगर यूट्यूब और लोगों को खैर ये पता है कि नहीं पता कि तुमने YouTube, नहीं पता है ना, ज्यादातर लोगों को नहीं पता। हाँ, कि मैंने ये स्टोरी बता दे, ये स्टार्ट मैंने लिया था यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब चैनल मेरे जो बड़े भाई हैं ना, देसी डूट निकाश भाई, देसी डूट, हाँ देसी डूट के नाम से निकाश भाई है ना, हम लोग मिलकर ना वीडियोस बना रहे होते थे। तो वो निकाश भाई तो बहुत पुराने 2015 के यूट्यूबर हैं। वो पता क्या करते थे मेरे भाई, माइक लेकर आए घर में, एक बुक लेकर आए कहानियों वाली, ठीक है, वो कहानी पढ़ पढ़ कर ना ऐसे बस वॉइस ओवर आगे पिक्चर्स आ रही हैं, तो वो ना ऐसे कहानी पढ़ पढ़ कर ना, हाँ जी मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगा जिसका सुनकर आप बहुत हैरान रहे। मैंने देखना, मैंने कहा ना यार ये क्या करते रहते हो आप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कोई जॉब शॉप देखो, इसका कोई फायदा नहीं है। वो बेचारे कहते यार कोई जॉब है ही नहीं, मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ घर बैठ कर ही अपना कमाने शमाने का सीन करूँगा ना। खैर उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत 1-1.5 साल यूट्यूब पर मेहनत की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ उनको सिवाय कुछ सब्सक्राइबर्स के। तो वो फिर बाद में उन्होंने मुझे कहा कि यार तू भी यूट्यूब पर, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा यार। अच्छा कहते आ ना। अच्छा उन डेज में ना ये मेरे भाई और मेरा बेस्ट फ्रेंड जो शेख है, ये दोनों ना बैठकर बातें कर रहे होते थे, तब शायद ये डक्की भाई की और शाम, पता है उनकी नोक झोंक चल रही थी, लड़ाई झगड़ा, तो ये बातें कर रहे। मैंने कहा यार तुम लोग क्या बातें करते रहते हो यार, मतलब अजीबो गरीब कोई अपनी बात कर दिया करो, अपनी थोड़ी बातें हैं, तुम लोग यूट्यूबर्स की बात लेकर बैठ गए हो। कहते हैं यार तू पीछे हो तुझे नहीं पता।
अच्छा फिर तब भाई ने कहा कि तू भी शुरू कर, हम लोगों ने ना अपने ही आपसी शुगर मेला शुरू कर लिया, चैलेंजेस शुरू किए, उसके मजे के अंडे खाने वो ऐसे सरफ गिरा के उस पर मारने। फिर भाई मेरे ना दुबई चले गए जॉब के लिए, वहां पर उनकी जॉब होगी, उन्होंने कहा व्लॉगिंग शुरू कर। मैंने कहा मेरे पास मुझे आती ही नहीं है व्लॉगिंग, कहते मैं तुझे कैमरा भेजता हूँ, ये करता हूँ। उन्होंने कैमरा माइक शाइक भेज दिया, मैंने व्लॉगिंग शुरू की, वो भी उनसे पूछ रहा हूँ कुछ भी बोलने से पहले, हेलो निकाश भाई ये क्या करना है यार, ऐसे करके ऐसे बोल ले, बिकॉज मैं देखते ही नहीं था किसी को, जो सही बात है, अगर मैं देखता होता तो मेरा इंटरेस्ट भी होता है। जैसे वो बातें कर रहे थे कि यार डक्की ने देखा क्या, क्या वो देखा है, वो शाम ने क्या कह दिया, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं नहीं देख रहा होता, मुझे सिर्फ और सिर्फ फिल्में देखने का शौक था, वो भी सूर्यवंशम ही देखता रहता था बैठकर भाई। और अभी भी वो इंडियन चैनल था सूर्यवंशम और ये बाहुबली अभी भी कुछ ना मिले ना तो वो लगा ना मिले तो कहता बाहुबली देखे, मैं जुलकर मैं ना गोली मार देने तनू यार, बाहुबली 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 कुछ और भी बंदा देख ना। उसके बाद ये होता है कि मैं शुरू करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ अपने छोटे को इब्रार को, वो बैठा इधर से कभी मोबाइल निकाला कभी ऐसे कर रहा, तब वो वीडियो ऐसे चलती थी ना ऐसे, हाँ ऐसे ट्रांजिशन टाइप, फिर ऐसे पता नहीं। अच्छा वो कह वो बना रहा है, तो मैं उस टाइम ना लॉ की स्टडी कर रहा था, तो मैंने अपना एक स्केड्यूल बनाया था कि मैं रात में ना 12 बजे के बाद जब भी सारे सो जाते हैं ना 2-3 घंटे के लिए पढ़ा करूँगा। तो मैंने अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाना, किताबें लेकर मोबाइल को मैंने साइड पर रख देना और मैंने ना पढ़ना शुरू कर देना, तो पढ़ना पढ़ रहा हूँ 10 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट के बाद मोबाइल जैसे वो आवाजें नहीं दे रहा होता, पकड़ ले, मैंने मोबाइल पकड़ के ना, मैंने एक दिन सोचा कि यार ये ब्रार क्या, उसने तब ना टिकटॉक का नाम म्यूजिकल ही होता था, ठीक है, मैंने वो डाउनलोड किया, मैंने देखनी शुरू कर, तब वो गाना भी चल रहा था जुत्ती ले दे सोनिया, मैं कहा ना सोन वो ना, मैंने कहा यार ये मैं भी बनाता हूँ क्या पता बन ही जाए, और वैसे भी अकेला था कोई देख नहीं रहा था, तो शर्म शुरम का सीन भी नहीं था, वैसे तो शर्माता है बंदा शुरू शुरू में। तो मैंने ना वो ऐसे मोबाइल पकड़ा अपना, और मोबाइल पकड़ने के बाद मैंने ऐसे वो जुत्ती पकड़ी उल्टी, वो भी कुड़ी मैनू कहती जुत्ती ले दे, वो वीडियो ना मैंने बनाकर ना मैंने पहले प्राइवेट की बात मैंने कहा पब्लिक कर देता हूँ, कौन सा किसने देखना है। अच्छा उसी के बाद ना रात में तकरीबन जब भी मैंने पढ़ने बैठना मैंने वीडियोस बनाने लग जाना, और दिन में भी कभी कभार बनानी, लेकिन तब बनानी जब कोई मेरे आसपास नहीं होता था, बिकॉज मैं शुरू से ही थोड़ा शर्मीला टाइप था, मेरे आसपास किसी ने ना होना मैंने वीडियोस बनाने लग जाना, वो वीडियोस मैंने पब्लिक कर दी। वो कुदरती ना ऐसे हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ना वो उन डेज में ना वो सरफराज का भी सीन चल रहा था, वो मार या कुछ विकेट शिकेट वाला काफी ज्यादा था, उस पे भी मैंने धोखा नहीं देगा सरफराज अपना कैप्टन, धोखा नहीं देगा ना उसका, धोखा नहीं देगा नहीं उसकी विकेट वाला क्या था यार, कुछ चल रहा था इसका कि वो था कोई क्रिकेट वाला सीन, मैंने उस पर भी ना वो वीडियो बनाई, वो भी नहीं वीडियो जियो न्यूज ने उठाकर लगाई, उसने लगाई, मैं बड़ा खुश यार न्यूज चैनल पे मेरी वीडियो फेमस हो गई हूं ब्रो, वो वीडियो मेरी चली भी बहुत ज्यादा, न्यूज चैनल वो मजाक उड़ा रहे थे हमारे कैप्टन का कि यार ये देखो जी ये देखे लोग सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे हैं, वो उन उस दौरान मेरे फॉलोअर्स तकरीबन 10,000 से 15,000 हो गए, और मैं घर में बैठा ऐसे करके वो कि 10,000 बंदा फॉलो करता है, ठीक है, और मैं ना घर की महफिल में ना मतलब तब मेरे दो भाइयों की शादी हुई हुई थी, और हम लोग ना रात में अपने जो बड़े भाई हैं ना जवाद भाई उनके रूम में भाभी के साथ ये सारे मिलकर ना अक्सर बैठते थे घंटा डेढ़ घंटा आपस में बातचीत करते, तो बैठा हूँ तो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मैंने कहा यार जिसके 10,000 फॉलोअर है मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, और मेरे भाई कहता भैया तुम 10,000 तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ब्रो कोई मसला नहीं। खैर मैंने वो मेहनत अपनी ना जारी रखी डेली वीडियो बनानी, अब मैं किसी बड़े क्रिएटर को देखता था ना 10 वीडियोस बना, हाँ मैं किसी बड़े क्रिएटर को देखता था कि वो 5 बना रहा है तो मैंने 7 बनानी है, अगर कोई 7 बना रहा है तो मैंने 9 बनानी है, अगर कोई 10 बना रहा है तो मेरी कोशिश होनी है मैं 10 से भी ऊपर जाऊँ डेली, उठते ही ना सिर्फ शुरू हो जाना है और कोई छुट्टी नहीं करनी, और मैंने हमेशा वो वाली वीडियो पकड़नी होती थी कि जिसमें मेहनत लग रही हो, क्योंकि मुझे लगता था कि यार जिसमें जितनी ज्यादा मेहनत ऐड करूंगा ना उतना ज्यादा शायद मुझे सिला मिले, और अक्सर ऐसे होता था कि मैं बहुत मेहनत कर देता था किसी भी लिपसिंग में किसी भी डायलॉग को पकड़ने में, तो वो उसका इतना रिस्पांस नहीं मुझे मिल रहा होता था जितना मिलना चाहिए, लेकिन मैं फिर बाद में ये सोचता था कि यार कोई मसला नहीं रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन अभी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना
उनके दिमाग में मेरा एक इमेज तो अच्छा बन गया कि यार ये लड़का बहुत अच्छी वीडियो बना और जुल्कर को कॉमेडी में सबसे ज्यादा अभी तक माना जाता और अभी भी बल्कि जुल्कर ने कॉमेडी दोबारा से बनाना शुरू किया है और वो इतनी अच्छी जा रही है इतनी और मेरे जो फॉलोअर्स थे उनको चाहिए ये कि यार ये कॉमेडी करे और ये जिस तरह की एक्सप्रेशन देता है कॉमेडी वाले एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन देता है और जितनी एक्यूरेट ये लिपसिंग कर देता है ना उसका मजा ही कुछ और है। अच्छा मैंने उस मेहनत को जारी रखा, मेरे फॉलोअर्स बढ़ते गए, वीडियोस भी मैं बनाता गया डेली, कोई छुट्टी नहीं करनी, बनाता गया करता गया पहुंचता मैं 15 मिलियन फॉलोअर्स पर पहुंच गया। फिर जी टिकटॉक को याद आया कि यार हमारे तो इतने क्रिएटर्स हो गए हैं उनका कोई अवार्ड शो करते हैं, उसमें मैंने जो पहला अवार्ड हुआ था उसमें Public मुझे choice. फिर अवार्ड दिया गया था पब्लिक चॉइस, वो ही सिर्फ इकलौता अवार्ड था जो मतलब कि जो पब्लिक लोगों ने वोटिंग की थी, वोटिंग करते हैं, तो वोटिंग वाला अवार्ड मेरे लिए बड़ा ऑनरेबल था कि यार ये पहला ही अवार्ड है जिसमें वोटिंग हुई है और लोगों ने मुझे वोट किया। फिर मुझे याद आया कि यार मैं 3-4 साल पहले जब इतना एक्यूरेट होकर वीडियो बनाता था अगर थोड़ी सी भी लिपसिंग मिस्टेक हो जानी मैंने कहना नहीं दोबारा बनाऊंगा चाहे वो 10 दफ़ा क्यों ना रीटेक लेना पड़े। फिर मुझे एहसास हुआ जब मेरे हाथ में वो अवार्ड था ना, मैंने कहा यार देख अल्लाह सिला देता है, आज लोगों ने मुझे वोट इसलिए दिया क्योंकि मैंने कभी भी ना अपनी गलती को आगे नहीं आने दिया। होता है ना बंदे क्रिएटर ये कर देता है ओ हो थोड़ी मिस्टेक है कोई मसला नहीं ब्लूपर, जुल्कर ने बहुत कम ब्लूपर लगाया, मैं नहीं ब्लूपर लगाता था। और मुझे लगता है कि इसी की वजह से जुल्कर को माशाल्लाह इतनी टीवी सीरीज की है, इतने इंटरव्यूज की है, ड्रामा की है, पूरा मतलब जो 3-4 माह का ड्रामा था वो उन्होंने पूरा 1.5 साल ड्रामा बनाया है और वो एक्सप्रेस का बाहर ड्रामा था पहला जो ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग में चला था, मतलब पहला एपिसोड पहले पे, दूसरा एपिसोड दूसरे पे, तीसरा एपिसोड तीसरे में, बेशक उसमें और भी हमारे काफी ज्यादा थे, उन्होंने भी काफी मेहनत की थी लेकिन ये उनके लिए पहला एक था, तो जुल्कर ने बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल किया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत को भी जारी रखा, अभी भी मेरा ये स्केड्यूल होता है कि सुबह उठते ही ना बस सोचना शुरू कर देना ऐसे जिंदगी गुजारनी है जैसे छुट्टी नहीं है, क्योंकि चाहता हूँ कि यार जिस एज का टारगेट रखा हुआ है ना उस एज में इतना अचीव कर लूँ कि उसके बाद वाली उम्र में बस सुकून से खा पी लूँ बैठकर। और कवल तो मेरे इस आइडिया के खिलाफ है, मेरा आइडिया है कि यार हम लोग गांव में घर बना लेंगे, जमीने शमीने ले लेंगे, फिर उन जमीनों पर घर शर बनाने के बाद हम लोग वहां पर ही जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं और घर की उगाई हुई फसलें खा रहे हैं ऐसी कुछ जिंदगी गुजार लेंगे। अब बस कोशिश जारी है। अच्छा ड्रामा अभी आप कह रहे थे ट्रेंडिंग पे भी चल रहा था सब कुछ, तो फिर दोबारा टीवी पे नहीं आए, हमने देखा नहीं दोबारा, क्या सीन था, क्यों नहीं किया दोबारा ड्रामा, ये ऑफर नहीं हुआ? नहीं ऑफर का सीन तो ऑन था भाई, मतलब जब भी मेरा वो प्रोजेक्ट चल रहा था ना उसी दौरान मुझे दो और प्रोजेक्ट उसके अलावा जब वो ख़त्म हुआ फिर उसके बाद दो मतलब समझ लो 4 से 5 मेरे पास प्रोजेक्ट थे करने के लिए। कंवल को पता है इस बात का, कंवल के पास भी तब 2 से 3 प्रोजेक्ट थे जो कि इसको ऑफर हो चुके बल्कि अभी भी थे अभी मतलब एक बहुत ही फेमस ड्रामा उसमें भी था, नाम नहीं लेंगे, लोग कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं, लोग कहते हैं कि झूठ बोलते हैं बोल, लेकिन मतलब जुल्कर को भी अभी रिसेंट बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन ने किया, लेकिन लेकिन पता है क्यों मुझे लगा कि जब मैं अपना पहला प्रोजेक्ट कर रहा था ना तो जो मेरी सारी मेहनत मैंने सोशल मीडिया पर की थी खत्म हो गई, खत्म हो रही थी ब्रो, वो खत्म कैसे हो रही थी कि ड्रामा भी एक ड्रामा, क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री भी अलग फील्ड है, सोशल मीडिया अलग है, आप अगर ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा टाइम अपने सोशल मीडिया को दे सकते हो, वहाँ पर भी बहुत मेहनत हमारे आर्टिस्ट करते हैं, मैं उनको हमेशा मैं उनकी मेहनत को हमेशा सराहता हूँ कि यार वो बहुत हार्ड जॉब है। पता है क्या, जैसे अगर कोई ड्रामा कर रहा है, कोई इवन टीवी से भी कर रहा है ना, एक छोटी सी एक 30 सेकंड की एड के पीछे 3-3 दिन लगाते हैं। और आप हमने एक टीवी से जब की थी ना तो एक परफेक्ट शॉट था, लगा वही था, लेकिन उन्होंने 50 रीटेक लिए कि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ड्रामा में भी ये देखना, बंदा एक सुबह 7-8-9 बजे जा रहा है और रात में वो आ रहा है, सारा दिन उसका वहाँ ही सेट पे गुजर जाता है, सारा दिन वो कपड़े बदलता रहता है, स्क्रिप्ट पढ़ता रहता है, शूट करता रहता है, बस ऐसे और खाने का सिर्फ टाइम मिलता है, खाने का और बार बार टचअप हो रहा था। और यकीन जाने जब मैं जलाल भी जाती थी ना कराची, तो क्योंकि मैंने तो जुल्कर को ही देखा हुआ ना ड्रामा इंडस्ट्री में, तो जब मैं जाती थी तो जुल्कर ने सुबह 7 बजे चले जाना
और क्योंकि सबको पिक करना होता है, एक बंदे को तो नहीं करना होता, एक दो जो रास्ते में आ रहे होते हैं उनको भी पिक करना होता है। तो रात को जब जुल्कर ने आना, तो जुल्कर ने रोटी खानी, मतलब फ्रेश होना, नहाना, रोटी खानी और सो जाना। और मैं देखती रहने कि यार मैं सारे दिन वेट किया, बंदा कोई बातें कर लेता है, कहीं बाहर चलते हैं, कोई आइसक्रीम खाते हैं, ना भी ना, ऐसे कोई सीन नहीं, हिम्मत ही नहीं होती यार बंदा। जैसे अब आप डेली व्लॉग जुल्कर कर रहे हैं ना, तो डेली व्लॉग में भी पूरा दिन लगता है, ऐसे ड्रामा का एक एपिसोड भी पूरा दिन लगता है। तब ना उसी प्रोजेक्ट को करते हुए मेरे पास चॉइस थी कि मैंने या उसको चूज करना था या मैंने अपने सोशल मीडिया को ही लेकर चलना था। तो मैंने तब मैंने तो मैंने तो मैंने और कमल ने तब सोशल मीडिया को चूज़ किया था। वाई? बिकॉज हम लोग कह रहे थे कि यार शुरू से एक जगह मेहनत कर रहे हैं और एक नई फील्ड है हमारे लिए, अभी पहला प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आकर दोबारा से स्ट्रगल शुरू करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे ना, जीरो से। यार आप जितने भी फेमस हो, आप जितने भी फेमस हो ना, आपको चाहे मेन लीड रोल क्यों ना मिल जाए, लेकिन आप होते जीरो पर हो ड्रामा इंडस्ट्री के, आपके जो ऑपोजिट होता है ना वो उस बंदे ने या उस बंदी ने कोई 10-15 साल या 5 साल भी इंडस्ट्री में, आप उसका मुकाबला कर सकते हो? नहीं कर सकते ब्रो, आप उनकी मेहनत कोई बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो 20-25 साल मेहनत करते आ रहे होते हैं। यार मैं कहूँ कि यार ठीक है, मैं कहूँ कि ठीक है जी, मुझे लोग जानते हैं, मुझे सारा पाकिस्तान जानता है, दुनिया से बाहर लोग भी जानते हैं, एक बड़ा आर्टिस्ट है जैसे फैसल कुरैशी है, ठीक है, फैसल कुरैशी को भी मेरे जितने लोग जानते हैं या मेरे से ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, मैं कहूँ कि मैं और फैसल कुरैशी ड्रामा इंडस्ट्री में भी ऐसे हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। उसकी मेहनत बहुत ज्यादा है, मेरी मेहनत, मैं अभी कल का आया बच्चा हूँ उनके लिए और मैंने उनसे सीखना है, लेकिन लोग नहीं सीखते। मेरे पास अपना फेम है ना, मैं फैसल भाई के साथ जाकर ऐसे बैठ जाऊंगा, शायद ड्रामा के लिहाज से फैसल भाई को अच्छा नहीं लगेगा, फैसल भाई कहेंगे यार ये अभी कल का आया बच्चा है, इससे मेरे से कुछ सीखना क्या है, बल्कि ये मुझे नखरे दिखा रहा है, नखरे दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा, हमारे जितने भी अगर कोई सोशल मीडिया फील्ड में भी आता है, तो उन्हें भी चाहिए जितने उनके सीनियर है उनकी रिस्पेक्ट करें, और अगर कोई ड्रामा इंडस्ट्री में भी जाता है तो उनको चाहिए कि उनके सीनियर की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि अभी मैं ऐसे लोगों के नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ ऐसे अभी यूट्यूबर्स हैं, मतलब हम लोगों ने भी दूसरे यूट्यूबर से सीखा है, जैसे लोगों को लगता है कि जुल्कर एक टिकटॉकर है, जबकि उसने यूट्यूब से स्टार्ट किया, बता दिया, लोग चेक भी कर सकते हैं, लोगों को मेरा लगता है मैं टिकटॉकर हूँ लेकिन मैंने उर्दू पॉइंट से स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे टिकटॉकर कहने में मुझे कोई मसला मसाइल नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें उधर से इज्जत दी है। लेकिन जैसे अब आप जुल्कर से पूछो ना कि उसके लिए यूट्यूबर क्या है, यूट्यूबर वो है कि अगर आप YouTube स्टार्ट करते हो ना, मैं आपको अगर सिखाती हूँ ना कि जलाल भी ऐसे करना है, तो आपका काम है कि कहीं तीसरे बंदे के पास बैठो तो आप उसे रिस्पेक्ट दो, यार मेरी बहन ने मुझे सिखाया है या मेरे भाई ने मुझे सिखाया है। और ये बात करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए, अगर मैं बहुत से वर्ड गलत बोलती हूँ, मेरी उर्दू का थोड़ा मसला है, रेड़े का, क्योंकि लाहौरी हैं हम लोग, उसका मसला है, इंग्लिश का मसला है, पंजाबी का मसला है, हर चीज़ का मसला है, तो अगर मैं कोई वर्ड गलत बोलती हूँ ना, तो जुल्कर ऐसे मुझे करके ना वर्ड सिखाता है, फिर उसको मैं 100 बार रिपीट करती हूँ, उसको परफेक्ट बोलती हूँ, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ लोगों में बैठ के कि यार ये मुझे वर्ड सिखाता है, ये मुझे बैठना बताता है, ये मुझे बात करना सिखाता है, तो अप्रिशिएट करना सीखें। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में भी ऐसे लोग होने चाहिए और ड्रामा इंडस्ट्री में भी, कि अगर कोई सिखाए तो उसको पब्लिकली भी अप्रिशिएट किया जाए। जैसे मैं भी अपना एक ही ड्रामा किया मैंने, उसमें मुझे हर बड़े आर्टिस्ट ने सिखाया और मैं सीखता था, यहाँ तक कि हमारे जो DOP थे ना, मैं उनके साथ बड़ा टाइम स्पेंड करता था ब्रो। मैं इसलिए स्पेंड कर रहा होता था कि मुझे नहीं पता कि लाइन के लिहाज से एक्सप्रेशन कौन से मुझे डिलीवर करने चाहिए कैमरा पर, तो मैं ना उनसे सीख रहा होता। वो मुझे कहते थे जुल्कनैन, क्योंकि जो कैमरा में देख रहा होता है ना आपको, वो जज कर रहा होता है कि यार इसने ये एक्सप्रेशन, तो DOP का तो सारा दिन काम ही ये होता है कि वो सिर्फ आर्टिस्ट को ऐसे देख रहा होता है कैमरा की स्क्रीन में कि ये क्या एक्सप्रेशन दे रहा क्या नहीं। तो मेरे ख्याल से बेस्ट DOP डायरेक्टर और आपके सीनियर आपको सिखाते हैं। तो मैं DOP को सुन रहा होता, वो मुझे बताते थे कि यार जुल्कनैन ये यहाँ पर ये एक्सप्रेशन, हाँ ये थोड़ा लाउडर बोलो, ये ऐसे करो, इस तरह करो। पर यहाँ पर ये है कि आप किसी को सिखाते नहीं, आप कहते हो कि अगर इसे सिखा दिया ये मुझसे ज्यादा कामयाब हो जाएगा। ये देखो, मैं हमेशा कहती हूँ मेरी चाहे जितने मर्जी फॉलोअर हैं,
किसी के कम भी है ना, क्या पता वो मेरे से ज्यादा कमा रहा हो, जो उसके नसीब में है वो उसको मिलेगा, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलके रहेगा। आप कभी भी किसी का नसीब नहीं छीन सकते, उसको कभी भी अपने हक में नहीं कर सकते। तो हमेशा सिखाएं, और अगर कोई आपको सिखाता है तो प्लीज उसे अप्रिशिएट करें, और ये ना कहें कि मैं उनको नहीं जानता, या आप उसको मानो ही ना कि ये आर्टिस्ट है कि नहीं। भाई वो आर्टिस्ट है तो उसने तुम्हें सिखाया, इसीलिए तुम थोड़े बहुत आर्टिस्ट बने हो, अदरवाइज यू आर नथिंग। अच्छा इतनी बातें हो गई। खैर मुझे ये बता कि वो सवाल वहाँ से निकला था ना कि YouTube और TikTok से स्टार्ट किया, तो अगर यूट्यूबर और टिकटॉकर ना होते तो कुछ प्लान किया था कि यार मैं ज़िंदगी में ये करना था? मैंने प्लान किया हुआ था, मैं ना मुझे ना दरअसल शुरू से थोड़ा सा ना अरूज पाने का शौक था, थोड़ा फेमस होने का क्या, मैं देखता था कि सड़क से गुजर रहा हूँ तो मैंने देखना कि यार ये सियासी बिलबोर्ड लगे हुए हैं, या उन घरों के बाहर बिलबोर्ड लगे हुए हैं छोटे छोटे से, जो के वकील हैं, हैं एडवोकेट समथिंग, एडवोकेट ये, एडवोकेट ये, हाई कोर्ट समथिंग, हैं ऊपर ऐसे छोटा सा इश्तिहार लगा हुआ है एडवोकेट इसका घर है। तो मैंने कहा ना यार छाना ज़रूर है, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे वो पढ़ के छाना है या किसी भी तरह की मेहनत से छा जाना। और सुनकर को ना सियासत में भी आने का बहुत शौक है। हाँ मतलब था अभी भी है। सुनकर जब मतलब शलवार कमीज कम ही पहनते हैं, पर जब पहनते हैं ना तो ऐसे पूरी फील लेते हैं कोट शोट पाए के मैं मतलब यार, बिकॉज वो मेरे सारे खानदान में ना ऐसे ही है सियासी टाइप लोग, मतलब इलेक्शन लड़ने वाले, कोई चेयरमैन है, कोई एमपी है, कोई एमएनए है, समथिंग वो पता है बंदे में कभी कभार आ जाता है थोड़ा सा अपने खानदानी टच। तो अभी मैं जब शलवार कमीज पहनता हूँ ना तो मेरी टोरें बदल जाती हैं। तो मैं ना जब पढ़ रहा था ना तो मैंने कहा यार मैंने ना वकील बनना है, मैंने FSC प्रो इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद मैंने कहा वकील, मेरे भाई कहते हो जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन, जाकर कुछ ही और फील्ड में घुस जा, तू वकील बनना है नलायका वाले का। मैंने कहा नहीं ब्रो मैंने वकील बनना है। बस एडवोकेट तो वो कहते FA कर लेता फिर। मैंने कहा कोई मसला नहीं, अब FSC हो गई है तो हो गई है, लेकिन बनना वकील है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर बैचलर किया, बैचलर के बाद वो भी पॉलिटिकल साइंस में किया। पॉलिटिकल साइंस में करने के बाद मैंने एडमिशन ले लिया लॉ कॉलेज में। लॉ कॉलेज में जब ही एडमिशन लिया तो मैं कर रहा था लॉ, मेरा शुरू हो चुका था सीन, वो शुरू हो चुका, फिर अल्लाह ताला ने वो रुख ही मोड़ दिया कि बेटा यहाँ नहीं, इधर से मुझे हाँ बेटा यहाँ नहीं। अच्छा मैं जब ही वीडियोज भी बना रहा था ना तब मैं पढ़ रहा था साथ साथ, लेकिन पढ़ाई मेरी डिस्टर्ब जो रुक गई ना, डिस्टर्ब हो गई जो रुक गई वो ड्रामा से, क्योंकि मैं कराची चला गया था, डेढ़ पौने दो साल कराची रहा। अच्छा जुल्केर आपकी बात से, सॉरी काट रही हूँ, आपकी बात से याद आया, जैसे वो अभी अरशद भाई आए हुए थे, दुआ और उनके बाबा, वो भी ये बता रहे थे कि पहले मैं इस्लामिक वीडियोज बनाता था, मतलब ऐसे बयान देना, तो मैं डेढ़ साल मेहनत की है, मुझे वहाँ से अल्लाह पाक ने कामयाबी नहीं दी। फिर कहती फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कंटेंट के जरिए लोगों में ये इस्लाम का पैगाम पहुँचाऊँ। तो वो कहते हैं कि फिर अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे दिया। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि हर बंदे का एक टाइम होता है, और हर बंदे को बस पता चल जाना चाहिए कि वो किस चीज़ में बेस्ट है, और उसको उसी में मेहनत करनी चाहिए। जैसे हमारा छोटा भाई है ना अब्रार, हम उसे अभी भी यही कहते हैं कि भाई तू अभी से, क्योंकि उसकी यही एज है, यही एज है, शादी के बाद फिर भाई वो नहीं, फिर आपने बस एक चीज चूज करनी है और उसमें लग जाना, उसमें लग जाना, और कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मैं और जुलकर उसे भी ये भी यही समझाते हैं कि भाई अभी तुम सोच लो कि तुम किस में बेस्ट हो और उस पे मेहनत कर लो, मेहनत कर, क्योंकि अगर आपको लग रहा है ना आप इसमें बेस्ट हो तो आपने कामयाब हो ही जाना है। ऐसा ही है यार, ये इस्लामिक वीडियोस के लिहाज से भी मैं सोच रहा था कि आप पैगाम, जैसे अरशद ने एक नया आइडिया मुतारिफ़ कराया कि यार ठीक है मैं कंटेंट के ज़रिए लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाता हूँ, राइट। तो वो ऐसे ही एक आधा और मैंने छोटा क्रिएटर देखा है जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कि वो क्या करते हैं कि कोई भी हदीस होती है या कोई भी इस्लामिक पैगाम है ना उसको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं,
और मुझे लगता है कि लोग ना परफॉर्म ज्यादा बेस्ट हाँ, उससे ज्यादा सीखते हैं, उसको ज्यादा देखते हैं। अगर हम कोई थ्योरी लिखते हैं पढ़ने भी जाए तो हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हमें उस इतनी समझ नहीं आ रही होती और हमारे के टीचर हमें लिख के बता रहे होते हैं। जब हमारे टीचर हमारे सामने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, मतलब प्रैक्टिकल हम फिर खुद करते हैं फिजिकली, तो वो इतना बेस्ट होता है, ज्यादा सारी जिंदगी आपको याद है। अगर मुझे यही चीज मुझे लगता है कि बड़े कॉन्टेंट क्रिएटर्स को भी कर लेनी चाहिए कि वो कोई भी मैसेज अगर लोगों तक डिलीवर करते हैं तो उसको एक्ट करके परफॉर्म करके उसको अच्छे तरीके से, हाँ इस्लाम का अगर जहाँ चीज़ आ जाए वहाँ पर रिस्पेक्टफुली आपने कपड़े भी पहने, रिस्पेक्टफुली दिखाना भी है, हर चीज़ को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है ना, कि ये हो गए जैसे हम लोग नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं उसी तरह से हम लोग इस्लामिक भी बना रहे हैं तो वो थोड़ा ऑफ सीन हो जाएगा। जलाल भी कुछ सवाल है? और सवाल तो है मेरे, लेकिन फिर हम इंशाल्लाह पार्ट टू में करेंगे। ज़ुल्करनैन तो अपना वो है, अपने पार्ट टू में करेंगे, लेकिन जाने से पहले जो है ना, नहीं नहीं जाने से पहले ज़ुल्करनैन की जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान तो सुन ले यार, ये तो सबसे जरूरी है, ये शॉर्टकट पे बता दो यार जिंदगी का। अच्छा ज़ुल्करनैन बहुत अच्छा है, मतलब मुझे कुछ भी चाहिए हो ज़ुल्कर मुझे वो ले देता है, घर वालों को कुछ भी चाहिए वो ले देता है, लेकिन ये इंतहाई कंजूस है, ये इंतहाई कंजूस है मैं अपने मामले में, दूसरों के मामले में नहीं है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि जब हम शॉपिंग करने जाए लाखों की कर लेते हैं, कर लेते हैं। और कभी कभार मैं कहूँ ना, मैं पिछले दिनों ना मैं रात में, मुझे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का इतना शौक चढ़ा हुआ है, मैंने एजल के लिए शॉपिंग कर ली कोई 1.5 लाख की, सही माशाल्लाह वो कर ली, तो मैंने कहा ज़ुल्कर ऐसे मेरे ना शैतान आया जेन में 2 बजे, मैंने ऐसे नहीं ऐसे मुंह किया, मैंने कहा कार्ड मेरा लगा हुआ था ऑलरेडी, मैंने ऐसे मुंह किया, मैंने कहा ज़ुल्कर, मैंने कहा तुम्हारी भी ये औलाद है? कहता हाँ मेरी भी है। मैंने कहा आधे पैसे तुम दोगे आधे मैं? कहते चवले क्यों मारी हो ये? तो मैंने कहा तुम क्यों चवले मारी हो ये, आधे पैसे दो आधे। मैंने 4 दिन ज़ुल्कर की जान खाई रखी है, आधे पैसे दो। ज़ुल्कर भी मैं कहनी है ना, ज़ुल्कर भी टीट है, ज़ुल्कर ने कहा नहीं देने, नहीं देने, लगाए तो लगाओ। अच्छा मैं कंजूस नहीं हूँ, इसको भी पता है, अब तो खैर इसने थोड़ा हाथ हौला कर दिया, लेकिन ना पहले ये हाथ बहुत तगड़ा रखती थी। शॉपिंग मॉल में जाना, इसने 80-90 हज़ार की शॉपिंग करके आ जाना, और मैंने इसको उफ भी नहीं कहना, ये भी नहीं कहना कि तुम इतनी शॉपिंग क्यों करके आई। अच्छा जब आप, जब मैं कार्ड देती हूँ, हाँ हाँ देती, मैंने नहीं इसका कभी कार्ड लिया ब्रो, ये अभी कह रही है मैं कार्ड देती हूँ, मैंने नहीं कभी इसका कार्ड लिया। मतलब ये, हाँ ये करती है कि इसने जब मुझे कोई चीज दिलवानी हो ना तो मैं चीज खरीद रहा होता हूँ, ये कहती है नहीं 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 पीछे 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 कार्ड मैं दूंगी मैं दूंगी, ये फिर अपना कार्ड उसमें बोल रहा। आधे टाइम तो मैं कार्ड दे देती हूँ कि यार हम दोनों को मिलजुल के चलना, मिलजुल के, ये कोई गलत, मतलब कोई गलत सेंस, गलत सेंस में नहीं मैं बात कह रही हूँ कि मैंने भी कभी उफ नहीं की तुम्हें, तो वो नहीं की, लेकिन मेरा ज्यादा है ना, मैं कह रहा हूँ ना कि यार मैंने कभी नहीं कहा, मैं इसके कार्ड से भी हो ना शॉपिंग तो मैं देख रहा होता हूँ कि यार ये 10,000 हो गया या 15 हो गया या 20 हो गया। अब तो मैं शॉपिंग ही नहीं करती कसम से, अब तो मेरी शॉपिंग ही खत्म हो गई, खत्म हो गई है ब्रो, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत कंगाल हो गया हूँ ब्रो, अब तुम्हारी खत्म होनी चाहिए भी थी, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब ये कह रही है थोड़ी बहुत कंजूस, मैं नहीं कर रहा, जो मुझे लगता है ना, आप मैं कंजूस हूँ यार ब्रो, मैं कंजूस हूँ, मैं कंजूस हूँ, चेक करो 80-90 हज़ार की शॉपिंग भी करवा रहा हूँ फिर भी कंजूस हूँ यार, और सबकी ख्वाहिशा जो भी किसी किस्म की है एक्स्ट्रा जो हो जाए, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है उसका मैं कहता हूँ इसकी जरूरत नहीं है, उसके मामले में अगर मैं कपड़ों की जरूरत तो होती है, लेकिन जो लेकिन जिस चीज की जरूरत है मैं वो दिलवा रहा हूँ। जूतों की जरूरत होती है लड़कियों को, कपड़ों की जरूरत होती है, नहीं अगर लड़की के पास 200 जूता ऑलरेडी पड़ा हो तो फिर उसको वाकई जूतों की जरूरत। यार मेरी बात सुनो, अगर अगर वो 200 जूतों में वो वाला कलर ना हो जो लड़की ने पहनना है, 200 जूतों में वो वाला कलर होता है लेकिन निकालना पड़ता है। अच्छा नुकसान के बारे में बताओ। यार नुकसान की बात यह है कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिंदगी में क्या 4-5 साल तो हुए हैं खुद की कमाई करते हुए, इन 4-5 सालों में ही आपको इतना बड़ा धचका लग जाए ना तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो शॉकिंग सा सीन हो जाता है आपके लिए। तो मैंने ना ऐसे ही अपने एक दोस्त के कहने पर ट्रेडिंग शुरू कर दी, ट्रेडिंग शुरू की, मैंने कहा यार ट्रेडिंग कौन सा कोई इतना मेहनत वाला काम है, और इसलिए मैंने ट्रेड लगा देनी है, लाभ टर्न मैंने इसलिए दिए क्योंकि मैंने मना किया था मोबाइल पर बस ट्रेड लगा देनी है और शुरू हो जाना है यार।
तो वो होता है क्या है कि मैंने ना थोड़े से पैसे ऐड किए और ट्रेड शुरू कर दी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर ली ब्रो। और फिर मैं मुझे बताया किसी अपने एक दोस्त को फॉलो कर रहा था, मुझे खुद कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग के मतलब, कुछ भी नहीं पता था, ठीक है ना, ये पता था कौन सा कॉइन होता है, कैसा होता है, इसका पहले रेट क्या था, अब रेट क्या है, बस एक दोस्त ने कहा शुरू कर लीजिए। यही सबसे बड़ी गलती भी थी, पहले सीखना चाहिए फिर करना अच्छे चाहिए, अच्छे से आपको एक्सपीरियंस हाँ चाहिए। उसने बस सिग्नल दे देना ब्रो लगा दे यहाँ पर कर दे, ब्रो ने जी ब्रो ने कुछ खरीदने लें या बेच देने, और फिर ब्रो की लग गई, फिर ब्रो की ऐसी लगनी कि गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो नीचे जा रहे हैं, मैंने मेरी बात सुनो, मतलब एजल हमारे साथ है, मैंने कहा तुम ना इस ट्रेडिंग के चक्कर में एक बीवी भी घुमाओगे, एक बच्ची भी घुमाओगे और खुद भी अपनी जिंदगी से हो जाओगे। अच्छा खैर वो एक मेरा नुकसान हुआ उसमें जो कि था तकरीबन कोई 31 लाख रुपए का एक रात, पर अगर पूरे हाँ। घर की बात करें, अब रात भी था उसमें हाँ, वो तो अलग है ना, वो बता दे तो अगर है ना, मतलब वो हुआ था वो चूंकि मेरा छोटा भाई भी शुरू हो मतलब चुका था, 7 मिलियन 7 मिलियन का पहला नुकसान जो हमारा हुआ, मेरा मेरे छोटे भाई का और मेरे बिग भाई का, हम तीनों भाई शुरू हो गए ब्रो लगातार एक, क्योंकि हम लोग ना भाई भी दोस्तों की तरह ही हैं, बैठते हैं वही ये देखो तू कर मुझे फायदा मिल रहा है तू हाँ तू भी कर। अच्छा जी वो एक हुआ, फिर मेरा जो दोस्त जो सिग्नल भेज रहा था ना, बहुत बड़ा ट्रेडर, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, ओहो ब्रो वो तो ऐसे पल में अमीर कर देता है आपको। अच्छा जी मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये देख यार मेरा अकाउंट खाली हो गया है ब्रो ये ट्रेडिंग वाला, उसने मुझे कहा टेंशन क्यों ले रहे हो, हफ्ते में भर दूंगा, हफ्ते में नुकसान पूरा ब्रो, टेंशन क्यों ले रहे हो तू, फिर ब्रो ने यकीन कर लिया है हाँ, सुनो तो सही, उसने कहा हफ्ते में नुकसान पूरा, मैंने कहा फिर यार मेरे पास तो पैसे नहीं है तू भेज, वो अपना स्क्रीनशॉट भेज रहा है ब्रो मैं भी खा ली मैंने कहा लख की लानत तेरे पर भी यार, या लख की लानत मेरे पर भी जो मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो खैर फिर भी ना एक होता है ना कि यार चलो रिकवरी हो जाए, वो लालच आ जुल्कर को किक आई, लालच आई, तो वो लालच के चक्कर में ना मैंने कुछ और पैसे कमाए, वो सारे पैसे ना तकरीबन सारा अकाउंट अपना खाली करने के बाद बैंक अकाउंट मैंने डाल दिए, ठीक है उसमें कि यार अब मैं रिकवरी भी करूंगा और कमाऊंगा भी, क्योंकि मैंने मुझे लगा कि पहले मैंने शायद ये गलती की है कि थोड़े पैसे रखे हैं, अब जरा ज्यादा पैसों का। और फिर अच्छा पहले दिन जलाल भी जुल्कर ने $1,000 कमा लिया, हजार कमा लिया और मुझे बार बार दिखाया $1,600 मैंने ऐसे कहा मैं तुम्हें मसला दे रहे हैं मुझे दो 3 मिलियन दो तुम्हें महीने का 3 लाख दूंगा, मैं क्या मैं नहीं लेना 3 लाख रहन दे मेरा मुझे नफरत है नहीं। अच्छा खैर वो अच्छी बात थी इसने नहीं किया, वो मैं तो घर वालों को यहाँ अब्बा जान को नहीं मैंने बताया हुआ था, बिकॉज अब्बू मेरे इस चीज के खिलाफ थे, और तीनों भाई हम लोग कर रहे थे, और तीनों भाइयों में से और तीनों भाइयों का अब्बू को नहीं इल्म था, ठीक है, इसलिए ना एक दिन गर्मी में बैठे जब मैं इसको कह रहा था, उसी दिन मेरी जो सासू माँ है ना आपा उनको मैं कहता हूँ, उन्हें मैंने कहा आपा कितने पैसे हैं उनके अकाउंट में, सिर्फ 9 लाख है, 9 लाख रुपए था, तो उन्हें कहते कितने हैं, वो कहती 9 लाख रुपया, तो बड़े प्यार से कहता है आपा मनु तो वो तन महीने का 50,000 50,000 वो कहती अच्छा अच्छा नहीं वो सोचने लगी अच्छा मेरे कमरे से निकल के उनके कमरे में चले गए, तो मैं पीछे गई हूँ, मैं कह आप ही इनके चक्रों में ना आना, चुप करके रखी रहे तो आपको मसला हो रहा है, आपको कोई खाने पीने की कमी तो नहीं, पर 50,000 महीने उन्होंने कहा बुढ़ापे में पेंशन लग जाएगी। अच्छा खैर वो मैंने नहीं किया, फिर अपने सारे पैसे डाल लिए, फिर इब्रार किन्ने भी सेम थिंग की, ठीक है, जो मेरे बिग भी थे ना उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी अमेरिका है, उन्होंने कहा यार उन्होंने बस इब्रार को $2,000 दे दिया, हाँ, कि तुम्हारा नया स्टार्ट तुमने करना तो तुम कर लो, तो वो ये हुआ कि मैं और मेरा छोटा भाई दोनों हम लोग बस कर रहे हैं, नहीं नहीं एंड पे आओ बस एंड पे कर रहे हैं, तो एक दिन ना ऐसे ही ट्रेड लगा ली ब्रो, ट्रेड लगाई है, वो ट्रेड बिल्कुल ऑपोजिट चली गई, बिल्कुल मतलब पैसे लगे हुए हैं बिल्कुल ऑपोजिट, मैं और मेरा भाई दोनों ही
पूरा एक हफ्ता ना टेंशन में, और वो लिक्विडेशन कैसे? हाँ, लिक्विडेट होता है ना उसमें, लिक्विडेट तो वो लिक्विडेट होता जाए जुल्कर, अब जुल्कर की ना लिमिट खत्म होगी, खत्म हो रही थी, वॉलेट खत्म हो रहा था, मुझे कह रहे पैसे ट्रांसफर को, मैंने नहीं करने, इससे भी मैंने तकरीबन 20 लाख रुपया लिया, और उसको टोटे टोटे करके दिया मुझे, और कहते हैं दे चुका हूँ, लेकिन मैंने लिया उस टाइम क्योंकि मुझे ये था मेरा सारा वॉलेट, और मुझे दिया भी नहीं। और अच्छा वही सीन हुआ कि हम लोग चले गए उमरे पर गए हैं, वहाँ जाकर मैंने पूछा अपने एक भाई से, मैंने कहा यार ये सीन है, और मैंने उनसे शेयर की अपनी बात कि मैं नुकसान में चल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मदीना में थे हम लोग, मैंने वहाँ पर खड़े होकर दुआ की कि या अल्लाह अगर ये मेरे पैसे बच भी गए तब भी मैं छोड़ दूँगा, अगर ना भी बचे तब भी मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज मैं इतनी टेंशन नहीं ले सकता पैसों के बदले, मैं कमाता बहुत थे, जुल्कर का वेट कम होने लग गया था, मैंने कहा मैं कमाता बहुत मुश्किलों से हूँ, और ये जाना एक पल में चले जाना एक पल में आ जाना ये काम, उन्होंने फिर मुझे कहा ब्रो ये ना जो आप कभी कर रहे हो ना इस पर ये हराम भी है, मैंने मुझे नहीं पता था इस चीज का पहले, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये हराम भी है, मैंने कहा अच्छा ये हराम है तो फिर तो शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतर ही कर दिया है कि अगर नुकसान भी हो रहा है तो हो जाए, लेकिन एक अच्छे काम की तरह बढ़ जाऊंगा ना, ठीक है उसको भूल जाऊंगा जो नुकसान हो गया। तो वो हुआ ये कि वहां ही था मैं, वहां ही उसी वहां मदीना में ही था, और दूसरे तीसरे दिन ना उनसे मेरी इस बात के बाद, हम लोग मक्का में थे, फिर मक्का में वहां पर ही ना वो मेरे सारे पैसे चले गए, और मेरे से पहले जब मैं अभी वहाँ गया नहीं था इब्रार के चले गए थे, और इब्रार लिटरली रात में ना 4 बजे रो रहा था बैठकर कि यार बिकॉज उसने भी बहुत मेहनत से कमाए थे, और उसकी इनकम हमारी जितनी नहीं है। वो इतना मतलब हम लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन तो वो ये हुआ कि वो रो रहा, मैंने उसे कहा छोड़ यार ओके फाइन आइंदा के बाद नहीं करना ये वो, मैंने हौसला दिया, मैंने कहा कोई मसला नहीं तुझे पैसों की जरूरत तू मुझे बता ये कर, खुद भी खाली हो रहा था लेकिन भाई को हौसला दे रहा तुझे पैसों की जरूरत है तो मुझे बताना। अच्छा ये हुआ कि वहां पर ही ना मक्का में दूसरे तीसरे दिन भाई वो पैसे मेरे चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उस शहर की बरकत थी कि मुझे उतना ज्यादा दुख नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक माइंड ये भी बना चुका था ये हराम है, दूसरा मैं माइंड ये बना चुका था कि इसको मैंने छोड़ना है। अच्छा वो छूट गए, उसके बाद धचका तो बहुत लगा यार, आप लगा लो कि मेरा मेरे छोटे भाई का और बिग भाई का, उनका तो एक टाइम में गया था, हमारा कोई एक फैमिली कई तकरीबन 4 महीनों में 2.25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, 2.25 करोड़ और 2.25 करोड़ इनका, और 2.25 करोड़ हमारे शेख साहब का, 2.25 करोड़ किया। उसने अपना नंबर बंद कर लिया, उसकी अम्मा परेशान होगी कि अल्लाह माफ करे मर मुक गया की हो गया, सिर्फ मेरी कॉल उठाए और मुझे बताए ना कि क्यों कॉल नहीं, और इतनी इतनी दाढ़ी बढ़ाई भी, और जब उसके पास 1.5 करोड़ था ना, मैंने उससे कहा कि मैं तुझे 5 मिनट लेकर यहाँ पे घर ले देती हूँ भाई तेरी मतलब बेच लेंगे, फिर मैंने उसे कहा मुझे दे दे मुझसे जब मर्जी ले ली, मैं तुम्हें नहीं कहूंगी कि पैसे की वैल्यू कम होगी, भाई मुझे दे दे, उसको यकीन तो मुझ पे था, वो कहता नहीं बहन अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, फिर मैंने जो लानते उस पे भेजी है, मैं कहा लानत भाई मुझे भेजा होता कम से कम, समझ लो 4 करोड़ रुपए, तो समझ लो 4 करोड़ रुपए का मेरे बेस्ट फ्रेंड का और हमारी फैमिली का नुकसान हो। तो मैं अब लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि अगर करो तो सीकर करो, खुली जब भी ट्रेन हो जाओ तब पैसे डालो, ठीक है करो, लेकिन किसी के सिग्नल पर चाहे वो जितना बड़ा भी ट्रेडर है, फ्रॉड बता देता हूँ ट्रेडरों का फ्रॉड क्या होता है, वही मेरा दोस्त है ना जो बड़ा ट्रेडर है ब्रो, उससे मुझे कहा कि यार ये ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पाएंगे, मैं शायद श्रीलंका गया हुआ था तब, उसने कहा पैसे कमाने हैं ना तो हम लोग ना एक ग्रुप बनाते हैं, एक पेज बनाते हैं, लोगों को अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, ओ हा हा क्या लाइफस्टाइल है ब्रो, उसके बाद हम लोगों को ट्रेडिंग के सिग्नल देंगे, वो हमें मंथली कोई $200-250 दिया करेंगे सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, या 50 या $100 देंगे, तो तकरीबन मैं अभी कमा लेता हूँ 3500 से $4000 नहीं $8000 में कमा लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप आएंगे हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग $30,000 से $40,000 कमा लेंगे। मैंने कहा यार ये चेक करो इसकी सोच,
शायद इसको काम आता भी है या नहीं आता, लेकिन अगर इसको नहीं आता तो ये खुद भी डूबेगा अपने कुछ पैसों के चक्कर में, और कितने लोग इसके साथ मुंसलिक होंगे वो शायद मेरी बात सुनकर ही हो जाए कोई, ठीक है, ये उनको भी, मैंने उसे कहा भाई हम सॉरी मैं नहीं ऐसा कुछ काम कर सकता, ठीक है, खाली होके बैठ गया, मैं खुद यार खुद खाली हो गया हूँ ना अपनी जात तक है, लेकिन किसी को खाली कर दूंगा ना तो वो मेरी जात तक नहीं रहेगा। पर जलाल भी मैं बिला नागा रोज कहती थी जुल्कर ये स्कैम है, जुल्कर छोड़ दो, अब उसको काम नहीं आता, इसलिए मैं बार बार ये जोर दे रहा हूँ कुछ भी करें किसी के सिग्नल पर किसी के कहने पर नहीं करें, ट्रेडिंग करनी है तो प्लीज सीख के करें, सीख के करें, सीख के करें। इसका इंटरव्यू चल रहा है ये, इसने कोई 10 दफा मुझे टोका है। तो आ ना तुम इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हो, लंबी करूं छोटी करूं, प्रो बुलाया किसी ने डिप्टी बुलाया किसी ने, तुम ही सवाल है और बस यार आज आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे जवाब दिए हैं। सवाल मेरा तो जवाब ये देती जा रही है, साथ रहते हैं ना तो वो थोड़ा निकल आती है, क्यों निकल आती है रोजाना ही यार तुम निकालती हो इधर अपना, हम तो कभी कभी आते हैं। चलो ठीक है जलाल भी एंडिंग करे, शुक्रिया अदा करें, इंशाल्लाह हम पार्ट टू करेंगे, पार्ट टू हम सही बड़ा करेंगे, सही बड़ा लाइव कर लेंगे, पार्ट टू लाइव कर लेंगे, वो ज्यादा और भी मजा आएगा, और भी मजा आएगा। या खैर जिसने स्टार्ट किया वही एंड करे। हाँ अच्छा मैंने स्टार्ट किया मैं एंड चलिए जी, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर तो पसंद आया तो नॉन स्टॉप पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारा हर आने वाला पॉडकास्ट आपको घंटा बजाकर नोटिफिकेशन दिया करे कि इसको देखो 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 देखो। अब फिर मिलेंगे इनके साथ और एक नए गेस्ट के साथ, बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।